अकाली दल वालों भलके होने वाली हुशियारपुर की रैली रद्द कर दी गई है। अकाली दल 31 मार्च तक कोई भी रैली नहीं करेगा। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। सुखबीर बादल मांगता है पंजाब जवाब मुहिम तहत रैलियां कर रहे सन। इस दरमियान बीते दिन ही करोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। इस बारे उन्होंने ट्विटर से ट्वीट करके जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने तबीयत ठीक है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ना ही उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने संपर्क में आए हैं वह खुद को क्वारंटीन कर लैन। सुखबीर सिंह बादल ने कल खेमकरण विखे रैली की सी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चोणों के लिए एक होर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने खेमकरण हल्के तो विरसा सिंह बलटोहा उम्मीदवार ऐलानिया। इस तो पहला ऐतवार को उन्होंने जलालाबाद तो खुद चोन लड़न का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है जदों के कांग्रेस भाजपा के आप को दिल्ली तो हुक्म आते हैं। उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा तो पूरी टीम को बधाई है जिन्होंने वड्डा इकट्ठ किया। उन्होंने कहा कि मैं जलालाबाद में कैप्टन खिलाफ जंग शुरू की सी। बलटोहा ने जलालाबाद तो वड्डा इकट्ठ किया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। अकाली दल वालों भलके होने वाली हुशियारपुर की रैली रद्द कर दी गई है। अकाली दल 31 मार्च तक कोई भी रैली नहीं करेगा। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। सुखबीर बादल मांगता है पंजाब जवाब मुहिम तहत रैलियां कर रहे सन। इस दरमियान बीते दिन ही करोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। इस बारे उन्होंने ट्विटर से ट्वीट करके जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने तबीयत ठीक है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ना ही उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने संपर्क में आए हैं वह खुद को क्वारंटीन कर लैन। सुखबीर सिंह बादल ने कल खेमकरण विखे रैली की सी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चोणों के लिए एक होर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने खेमकरण हल्के तो विरसा सिंह बलटोहा उम्मीदवार ऐलानिया। इस तो पहला ऐतवार को उन्होंने जलालाबाद तो खुद चोन लड़न का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है जदों के कांग्रेस भाजपा के आप को दिल्ली तो हुक्म आते हैं। उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा तो पूरी टीम को बधाई है जिन्होंने वड्डा इकट्ठ किया। उन्होंने कहा कि मैं जलालाबाद में कैप्टन खिलाफ जंग शुरू की सी। बलटोहा ने जलालाबाद तो वड्डा इकट्ठ किया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी। अकाली दल वालों भलके होने वाली हुशियारपुर की रैली रद्द कर दी गई है। अकाली दल 31 मार्च तक कोई भी रैली नहीं करेगा। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। सुखबीर बादल मांगता है पंजाब जवाब मुहिम तहत रैलियां कर रहे सन। इस दरमियान बीते दिन ही करोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। इस बारे उन्होंने ट्विटर से ट्वीट करके जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने तबीयत ठीक है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ना ही उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने संपर्क में आए हैं वह खुद को क्वारंटीन कर लैन। सुखबीर सिंह बादल ने कल खेमकरण विखे रैली की सी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चोणों के लिए एक होर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने खेमकरण हल्के तो विरसा सिंह बलटोहा उम्मीदवार ऐलानिया। इस तो पहला ऐतवार को उन्होंने जलालाबाद तो खुद चोन लड़न का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाबियों की पार्टी है जदों के कांग्रेस भाजपा के आप को दिल्ली तो हुक्म आते हैं। उन्होंने कहा कि विरसा सिंह बलटोहा तो पूरी टीम को बधाई है जिन्होंने वड्डा इकट्ठ किया। उन्होंने कहा कि मैं जलालाबाद में कैप्टन खिलाफ जंग शुरू की सी। बलटोहा ने जलालाबाद तो वड्डा इकट्ठ किया। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ एकम टीवी।